भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान येदुरप्पा जी, श्री सदानंद गौड़ा जी, कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी और विशाल संख्या में पधारे हुए कुलबर्गी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कलबुर्गी जिलाजा आत्मिया नागरिका बंधु भगिनी रे, कलबुर्गी जिले के बंदीरुवक्के ननगे अत्यंत संतोषवागिदे। ई कलबुर्गी जिले त्याग सेवे हागू परिश्रम के हेसरीवासी आगिदे। कलबुर्गी शहर के प्रमुख देवता भगवान शरण बसवेश्वरा और भगवान कोरंती हनुमान जी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे भीमा नदी के तट पर गाणगापुर के प्रमुख देवता भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करने का अवसर मिला। महान न्यायविद श्री विघ्नेश्वरा, महान शिक्षाविद स्वातंत्र सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ सहित यहां से संबंधित सभी तमाम महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कलबुर्गी के अनेक कर्मठ कार्यकर्ता दिए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पिछली बार चुनाव के दौरान मैं आप सभी के बीच आया था, तब मैंने आपको कहा था कि यहां के सामान्य जनों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जब से आपने अपने प्रधान सेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है। आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही इसको समर्पित किया। इसी तरह चितापुर से यदगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से बीदर वाला सेक्शन हो, ऐसे कई नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। गुलबर्गा के सीवेज सिस्टम, यहां के पार्कों की सुंदरता को निखारने के लिए अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दे रही है। साथियों, विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए
आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी कर करके मैं मंच पे आया हूं। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रायचूर डिपो बहुत छोटा पड़ने लग गया था। यही कारण है कि पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। भाइयों और बहनों, कलबुर्गी के साथ साथ पूरे कर्नाटक की स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज हेल्थ से जुड़े 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राज्य को एक बहुत बड़ी सौगात आज यहीं से मिली है।